आज के ब्लॉग में बहुत तगड़ी ठंड लग रही है भाई साहब, हाथ में जम गए खून। अभी पीछे रोकी भाई आग के लिए और फिर भी थोड़ी सी छाए, जब जाकर हाथ थोड़े हुए नरम। और भाई नज़ारे आप सब देख सकते हो भाई, मैं आपको रोड दिखा देता हूँ, बहुत तगड़ी रोड है। देखो गाइस, ये देखो वो भाई स्कूटी करे ये रोड, देखो भाई गाइस, भाई साहब देख रहे हो। और आज हम पापा और मैं ऑफ रोड पे चल चुके हैं भाई, नज़ारे लेंगे बहुत जोर जोर पे देख रहे हो। तो भाई व्यू देखो, चढ़ाई है देखो, बहुत तगड़ी चढ़ाई है और देख सकते हो स्कूटी का दम पूरा निकलते निकलते बट निकला नहीं। गाइस आप देख ही सकते हो, देखो ट्रैक्टर जा रहा है भाई, तेल की टंकी लेकर आया है। देखो गाइस हम पहुंच चुके हैं नेपाल की बहुत तगड़ी राइडिंग पे। और गाइस ये मैं हूँ, मेरी भी देखो मास्क वास्क टोपा वोपा पूरा पहन लगा, टोपा टोपा 70 का पूरा सेट, 75 का ठीक है गाइस। और देख सकते हो आप ट्रैक्टर चल रहा है हमारे आगे भाई, पूरा पहाड़ छील रखा है इन लोगों ने गाइस। हमने इनसे साइड मांगा है भाई, इन्होंने साइड दे दिया है फाइनली, और ये निकल चुके हैं भाई। बहुत लंबा रास्ता है, मैं सारा रास्ता तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, पर जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ मैं कवर करूँगा आपके लिए मेरे दोस्तों। तो भाई साहब ये मैंने लक्कड़ कटवाई है आप लोगों के लिए, जिस जिसको ठंड लग रही है वो कमेंट कर देना भाई, मैं उनके घर लक्कड़ भिजवा दूँगा ये वाली, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे, पापा को छोड़ दिया है और मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ गाइस, देख सकते हो आप मेरे वॉक्स। और ये रोड पहले भाई टूटी पड़ी थी, इसके भाई 38 करोड़ रुपीस मिले हैं। तो स्कूटी से जाते हुए गाइस देख सकते हो आप, बहुत तगड़ी चलाते हैं गाइस। आप देख सकते हो ये सारे संतरे के पेड़ है गाइस, लाल लाल हो रहे हैं। मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि किसी और का घर है और ठंड भी बहुत है, नहीं तो मैं जा सिखाता आपको उसे को। संतरे है गाइस, लाल लाल संतरे, फुल संतरे, संतरे खाओगे चंगे हो जाओगे गाइस। रास्ता देख ही रहे हो भाई कैसा लग रहा है भाई, बता देना, मैं बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। और ये आपको भाई यो 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 जेसीबी चल रही है, जेसीबी इंडिया में तो जेसीबी चलती है, तो उसकी खुदाई देखने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये जेसीबी चल रही है इंडिया की कंपनी की जैसी भाई, सेक्टर 58 से ही आई है। और ये कोलैब कोगा है और वो भाई पहाड़ घेर दिया है गाइस इन्होंने, देख सकते हो आप कुछ नज़ारे, उसका वो टूट गया है। हमें मिल चुकी है नदी छोटी सी और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये भाई नदी, ये आ रही है भाई वहाँ से, अब ये नहीं पता कहाँ से आ रही है, जहाँ आ रही है पानी। देखो गाइस फोन रख के निकाल दूँ, निकाल दिया भाई। और बहुत तगड़े पहाड़ है भाई, आगे ऊपर तक जाना हमें, ऊपर तक, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई आगे की क्लिप में, ठीक है भाई। ये देख सकते हो रोड कर दिए बंद, अब खोल दिए, जैसे भी खोद रही है पत्थरन में, सोना मिल गया भाई सोना। भाई दोनों जेसीबी लग रही है वो बनाने में खोदने में, 1.5 घंटे से खड़े हैं भाई हम गाइस, 1.5 घंटे से। और ये पानी की जो धारा है बहुत ही मीठा और स्वच्छ, गरम गरम, चिल्ड सॉरी चिल्ड कह रहा, हॉट वाटर आ रहा है बिना किसी हीटर के लगाए हुए। देख सकते हो आप उधर खड़ी है बाइक, उधर खड़ी है गाड़ियाँ, और ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं नज़ारे। सुबह के बज रहे हैं, सुबह के कितने बज रहे हैं भाई दिखाऊँ, सुबह के बज रहे हैं भाई 9:00 और सैटरडे है भाई, देख सकते हो आप। उसके बाद फाइनली रोड खुल चुका है, हम निकल चुके हैं, रास्ता देख सकते हो आप, इसको कहते हैं टिप्पर 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 टिप्पर, यूज टिप्पर एट नाइट इन नेपाल, टिप्पर एट नाइट। ये बनाया इन्होंने अपना देसी घर सोने के लिए। एक और छोटा सा झरना, झरनों से भरपूर
पानी कम है इन झरनों में, इस कारण बस। और फिर नया रास्ता शुरुआत स्थान टू घाट की। ऑफ रोड सारा खत्म हो गया है। ब्रेक मारनी और गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक चलेगी। मैं दिखाता हूँ, देखो गाड़ी हमारी ऑफ है और ये अपने आप चल रही है। भाई ने भी गाड़ी बंद कर रखी है, ऑटोमेटिक चल रही है। 10 किलोमीटर की गाड़ी अपने आप चलेगी। द मैग्नेटिक रोड यू कैन सी, पहले कितना भयानक रास्ता, अब इतना ये देखो भैंस घूम रही है। क्या नज़ारे हैं भाई, बहुत जोर के नज़ारे हैं भाई, बहुत जोर के। ये आ गई भाई बलेरो, पहुंच चुके हैं। और ये लगा दी हमने स्कूटी आपकी पुलिस चौकी। और देखो अब कैसे वो पार करना है गाइस, वो देख सकते हो, ये पार करना बड़ा टफ है। तो आपको भाई पार करेगा, देख रहे हो गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे पार होगा भाई। ये अगर मैं गिर गया तो भाई बचा लेगा मुझे, बड़ा खतरनाक है। भाई पार देख सकते हो आप, पानी का फ्लो जुगाड़ बना रखा भाई, बहुत तगड़ा जुगाड़ बना रखा। पानी फुल है जो भाई, पहुंच गए भाई, हम पहुंच गए अपने खेत पे, सॉरी प्लॉट में। ये भाई मुर्गे पालने से ही बकरे जाने के लिए, ये लगा था पार्क और ये पाल रखी भाई बकरी। किसी भाई को बकरी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, पहचान नहीं रही है मुझे, बहुत दिनों बाद है। और ये लगा रखे भाई पालक, ठीक है भाई। ऊपर तक देख रहे हो सरसों स्कूल है भाई, साइड में चल रही है नदी, नदी आप देख ही रहे हो साइड में चल रही है। बकरी के बच्चे आ रहे हैं, आ जाए ना कर दिया भाई, देख रहे हो। तो ब्लॉग जल्दी से यहीं पे एंड नहीं करूँगा मैं, हम चल रहे हैं। फुल बहुत ठंड है भाई, रात को बर्फ गिरी थी, सुबह तक सूखी बार। चलते जाओ चलते जाओ, देख रहे भाई कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, गाना सुनो सुनो। तो कमेंट करके बताओ भाई ये क्या है, जो भाई बता देगा मान जाऊंगा मैं उसे। ये देखो नदी चल रही है आपके आगे सामने से, मुझे भी दिखाओ ना। हाय, मैं चल गया घर की रोड तोड़ दी थी क्या भाई पीयूष भाई, ये दी रोड, रोड निकाल दिया, हाँ से तो हाईवे पे आ गया रोड घर।
भाई को कर रहे फोन, वो उठा नहीं रहे। तोड़ दिया पीयूष भाई तुम्हारा सिस्टम। आ जाओ, केले के पेड़ देखो भाई, देखो देखो चोर का हो रहा घर भाई। एंट्री कैंसी भाई, फूल लगाए थे मैंने, वो तो नहीं है, देख सकते भाई घर का वॉक अराउंड आउले हाउस। ये हमारे केला का पेड़, संतरा गुजर चुका है, यहाँ फिर भी होगी बढ़िया है ना, साग टीपे देख सकते हो भाई। अब हम टीपेगा साग, ठीक है, आते ही गार्डन में पानी डाल दिया अपने साग सब्जी में, तो जब भी आओ अपना भाई साग सब्जी यहीं खाओ, सेहत बनाओ। निकलना है, भाई ने भी ड्रेस चेंज कर लिया, देख रहे हो कैसी लगती है भाई ने, कहा भाई सर्दी है बहुत ज़्यादा, मत दिखा देना। ये अपने बाथरूम है भाई, ठीक है, गांव के बाथरूम ऐसे होते हैं भाई, ऊपर पहाड़ है, आपको छत पे लेके चलेंगे, चलोगे? लग गई है पानी डालने की, देख सकते हो आप, जैसे कि मैं बहुत अच्छा डाल रहा हूँ, पापा चढ़ रहे हैं ऊपर, चूहे वो ने कुछ खाया तो नहीं, हम बहुत दिनों बाद आए हैं, मैं तो भाई एक साल बाद आ रहा हूँ, ठीक है। सब्जियाँ सारी देखो, मच्छी ढूंढ रहे हैं, देखो मच्छी ढूंढ रहे हैं भाई। ये देखो भाई, अब ये मारेंगे जाल, देखो भाई जाल, उन्होंने जाल निकाल लिया, ये भाई मारने की उसमें, देखो भाई उन्होंने निकाल लिया। अभी हमने इनसे पूछी कितनी मच्छी है, कह रहे हैं एक पाव है इनके पास, ज़्यादा नहीं है, भाई ने फेंका ही नहीं यार, उसके में निकली नहीं। ताजी मच्छी, फ्रेश फ्रेश मच्छी ले ली भाई, ये तो एक पाव मच्छी ले लो भाई, तो भाई ये दिए हमने 400 रुपये किलो की मच्छी है, 250 ग्राम फ्रेश ऐसे मारी है। क्या सिस्टम है मेरे भाई, सिस्टम है मेरे भाई।